स्नान पूर्णिमा लागि आजिठु आरंभ हेब सेवायतों कोविड टेस्ट। स्नान पूर्णिमा रे शामिल हेबाकु थिबा 800 सेवायत और 200 कर्मचारी करा जिबो स्वाब टेस्ट। केवल नेगेटिव रिपोर्ट आसीथिबा सेवायतों को शामिल करा जिबो। स्वाब टेस्ट पई बड़ दांडर उत्कल हिंदी विद्यापीठ रे स्वाब टेस्टिंग सेंटर खोला जाइछि। आसंता दुई दिन जाए सकाळ 9टारु दिन गोटाए एवं अपराह्न 3टारु संध्या 6टा पर्यंत एठारे टेस्टिंग कराइबाकु श्रीमंदिर प्रशासन तरफरु अनुरोध करा जाउछि। ए संपर्क में अधिक सूचना पाई पुरीरु सीधासळख जोड़ी होती आम प्रतिनिधि अक्षय मिश्र। अक्षय, सेवायत एवं कर्मचारी मानकर कोविड टेस्ट करा जाउछि, समस्त प्रक्रिया को केमिति देखुछन्ति? निश्चित पक्षे जहाँ राज्य सरकार गाइडलाइंस रही कि जो मैंने नेगेटिव रही से स्नान पूर्णिमा नियोजित होते से निम्त श्रीमंदिर प्रशासन पक्ष एक निर्देशनामा जारी कराइला और आज ठार् सेवायत मानक आरंभ हो आर्टिफिशियल टेस्ट और देखिपे ये हूँ उत्कल हिंदी विद्यापीठ जोटि आर्टिफिशियल टेस्ट कर प्राय 800 जन सेवायत और 200 जन कर्मचारी आर्टिफिशियल टेस्ट कर विशेष भाव में जदि कह चार पर्यायर टेस्ट अर्थात स्नान पूर्णिमार 48 घंटा पूर्व सिगुंडीचा जात्रा एवं बाहुड़ा जात्रा एवं तापर नीलादी विजय 15 दिन पर तो निश्चित भाव में समस्त सेवायत मैंने अच्छा जो मैंने कि प्रशासन ये निर्देशनामा को पालन करते खुशी व्यक्त करते कारण जेहेतु टीकाकरण समय अवधि अधिका रही तेणु ये टेस्ट ही सेमानको बेस उपाधि हो पारे तो पचर बुझा ये जो आज जो सरकार पक्ष प्रशासन पक्ष कर चार थर टेस्ट करते के मात्रा आप खुशी और किभली प्रशासन निष्पत्ति स्वागत कर निश्वास करें बर्तमान आज तो नलु टेस्ट बर्तमान स्नान पूर्णिमा टेस्ट हो गलु आज्ञा बर्तमान फेण नबू आम रथयात्रा बासी दिन बर्तमान फेण नीलाद्री विजय दिन बर्तमान सेपट घर ये प्रशासन जहाँ कर बढ़िया करसुविधा नहीं सार आ बर्तमान सेवायत मैंने जितक नहीं आज्ञा अल सेवायत मैंने जो ने बर्तमान किसी असुविधा नहीं आंटीबायोटिक टेस्ट नेलु आ बर्तमान गोटे गोटे टीका नहीं चु आज्ञा सेवायत मैंने गोटे गोटे टीका नहीं आज आर्टिफिशियल टेस्ट कर अच्छा जे नोडल अफिसर अच्छा ये जो टेस्ट प्रक्रिया आज आरंभ होती आर्टिफिशियल टेस्ट केते मात्रा टेस्ट करा जाए निर्देशनामा आसी एवं किभली पर्याय करा जाए तीन दिन धरिकी चलो आठ तीनटा कैंप दिखाई हजार टेस्ट कहुई अधिका हेले आम करने प्रस्तुत अच्छे किट आम पाखे सफिसीयंट अच्छी नौटा रु गोटे पर्यंत एगेन तीन टू छा पर्यंत जदि भी अधिका भिड़ है तीन टू लंच पीरियड टाक आम स्क्विज करदेव रिपोर्ट टेस्टिंग जिलापाल निर्देश सफिशिएंट किट जगे दिखाई तेणु टेस्ट असुविधा ना जिते अधिका टेस्ट कर निश्चित पक्ष जहाँ कहते कि जिते अधिका हेले से टेस्टिंग करेंगे और देखिपे कि आज ठू उत्कल हिंदी विद्यापीठ में तीनोटी काउंटर टेस्टिंग विशेष भाव में सका विभिन्न निजोगर सेवायत मैंने आसी टेस्टिंग में सामिल होती जदि कह गराबड़ हूँ पूजापना हूँ दईतापति हूँ और समस्त लक्ष्य रही कि भाव में महाप्रभुं यात्रा को सहयोग करेंगे सेपटे आज टेस्टिंग करोरसोर चली टेस्टिंग प्रक्रिया सहित आज दुई दिन जेहेतु रही चारोटी पर्चियर एही टेस्टिंग करा जिबो किंतु दुई दिन समय सीमा दिया जाय छे तबे प्रथम दिन रे केते सेवायतंकर टेस्ट करा जिबो से संक्रांत रे कोन सूचना रहउ छे अक्षय? देखो तो निश्चित भाव जी कह आज से जो टेस्ट आरंभ होती या 22 तारीख पर्यटन चलो यही तीनोटी काउंटर में टेस्टिंग करा जिबो समुदाय स्नान पूर्णिमा रे प्राय 800 सेवायत सामिल हेबे तेणु से तालिका प्रस्तुत हो जाए निजोग मानक कह 200 कर्मचारी सामिल हेबे से पुलिस कर्मचारी रही श्रीमंदिर प्रशासन कर्मचारी रही टेस्ट कर समुदाय हजार टेस्ट कर स्नान पूर्णिमा को लेकर तापर सिगुंडीचा जात्रार 48 घंटा पूर्व से टेस्ट करजोगर सदस्य मैंने सामिल हेबे तापर नीलाद्री विजय पूर्व जदि कह तार टेस्ट कर नीलाद्री विजय 15 दिन पर टेस्ट कर तो मोटामोटी भाव जब कह प्रशासन पक्ष चार पर्यायर आर्टिफिशियल टेस्ट करेतु यही टेस्टिंग
କରାଯାଉଛି ତା'ର ଟେଷ୍ଟିଂ ରିପୋର୍ଟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିପାରିବ। ତେଣୁ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଯଦି କହିବା ପ୍ରାୟ 50ରୁ ଅଧିକ ସେବାୟତମାନେ ଆସି ଟେଷ୍ଟ କରିସାରିଲେଣି ଏବଂ ସେପଟେ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆଜି ସ୍ନାନ ହାତୀ ବେଶକୁ ନେଇକି ପୁଷ୍ପାଳକ ନିଯୋଗ ସହିତ ଦୈତାପତି ନିଯୋଗ ସହିତ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ଏବଂ ତାପରେ ଏବେ ସୁଆରମାସ ନିଯୋଗ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆଜି ଦିନ 12ଟା ବେଳେ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ବୈଠକ ଅଛି ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକ ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହେବ ଏବଂ ଏସ୍ଓପି ମଧ୍ୟ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଏସ୍ଓପି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆଜି ହେଉଛି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଅଭିଷେକ ନୀତି ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଶେଷ ଭାବରେ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟକୁ ଯାହା ପାରିତ ହୋଇଛି ତାହା ଆଜି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରାଯିବ ଏବଂ ଏହି ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ହିଁ ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି କରାଯିବ ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସେବାୟତଙ୍କ ସମନ୍ୱୟରେ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। ତେଣୁ ତାହାର ପ୍ରାଥମିକତା ରଖାଯାଇଛି, ଆଜି ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହି ବୈଠକ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି କାରଣ ଏହି ବୈଠକରେ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ବୈଠକ ନେବେ ବାଟରେ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ନିଯୋଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଜେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେହେତୁ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ କି ଏବେ ଦିନ 9:30ରେ ଦୈତାପତି ନିଯୋଗ ଏବଂ ପୁଷ୍ପାଳ ନିଯୋଗ ସହିତ ଆଲୋଚନା ସରିଛି ଏବଂ ଏବେ ଗରାବଡ଼ ନିଯୋଗ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି, ତାପରେ ସୁଆର ମାସ ନିଯୋଗ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଆଲୋଚନା ପରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ 12ଟା ବେଳେ ସମସ୍ତ ନିଯୋଗର ଯାହା ମତାମତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବେ ଏବଂ କିଭଳି ରଥଯାତ୍ରା ଏବଂ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସଂକଳିତ ହୋଇପାରିବ, କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଭିତରେ କରାଯାଇପାରିବ, ସେ ନେଇ ଆଜି ବୈଠକଟି ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରିଛି ଏବଂ ଏହି ବୈଠକ ହିଁ ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାର କରିବ କିଭଳି ରହିବ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ନେଇ କିଭଳି ଭାବେ ରଥଯାତ୍ରା ପରିଚାଳନା କରାଯିବ ଏବଂ ଆଉ ଦିନ କେଇଟା ପରେ ଯେହେତୁ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରହିଛି ତେବେ ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଘନ ଘନ ବୈଠକ ବସୁଛି, କିଭଳି ଭାବେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଢଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯିବ ଏବଂ ଯେହେତୁ କୋଭିଡ୍ ସମୟ ରହିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ସେବାୟତଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଟେଷ୍ଟିଂ କରାଯାଉଛି, ଆଜିଠୁ ଏହି ଟେଷ୍ଟିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଜୋରସୋରରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅକ୍ଷୟ ଆପଣଙ୍କ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ପାଇଁ।